इसराइल गाजा वॉर के बीच ईरान को बड़ा झटका लगा है। इसराइल के हवाई हमले में ईरान के एक टॉप मिलिट्री एडवाइजर की मौत हो गई है। इसराइल ने यह हमला सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में किया था। मारे गए मिलिट्री एडवाइजर का नाम सैयद रजा मौसवी था। मौसवी का मारा जाना ईरान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मौसवी सीरिया और लेबनान में ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे। मौसवी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी IRGC के टॉप कमांडरों में से एक थे। मौसवी सीरिया और ईरान के बीच सैन्य संगठन के कोऑर्डिनेशन का काम देखते थे। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है। ऐसे में इसराइल के मौसवी को निशाना बनाने से ईरान का मिशन इस इलाके में धीमा पड़ सकता है। ईरानी कमांडर सैयद रजा मौसवी अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे जा चुके ईरान के अहम कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के बेहद करीबी थे। माना जा रहा है कि अपने टॉप कमांडर की मौत के बाद ईरान आक्रमण सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इससे मध्य पूर्व में हालात और ज्यादा बिगड़ने के आसार हैं। इस इलाके में इसराइल हमास युद्ध के कारण पहले से ही तनाव है। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्ला अली खामेनेई ने इसराइल के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इसराइल के इस हमले के बाद माना जा रहा है कि ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला या हुती विद्रोही इसराइल से बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे ही ईरान को सपोर्ट करने वाले ये संगठन लगातार उन समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे हैं जिनका कनेक्शन किसी भी तरह से इसराइल के साथ जुड़ा है। दूसरी तरफ इसराइल और गाजा के बीच ढाई महीने से चले आ रहे युद्ध में इसराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इसराइली सेना ने बीती रात मगाजी रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया, जिसमें 106 लोगों की मौत हो गई। इस कार्रवाई को लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि उनका देश हमास के खिलाफ जारी जंग में किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं आएगा। इन सब के बीच इसराइली सेना को एक सुरंग में बंधक बनाए गए 5 लोगों के शव मिले हैं। इन लोगों को हमास आतंकियों ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाया था। इसराइली सेना का कहना है कि उनका मकसद हमास के साथ उनके टनल नेटवर्क को तबाह करना है। हमास के खिलाफ पिछले 2.5 महीने से चले आ रहे युद्ध को लेकर इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें बता दिया है कि इसराइल इस बार अपने टारगेट को हासिल किए बिना जंग बंद नहीं करेगा। जिन लोगों को अमेरिका और इसराइल के बीच बातचीत पर कयास लगाने हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। अमेरिका ने हमसे अब तक सीज फायर के लिए नहीं कहा है। कम से कम अब तो इस तरह के कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। हमारे 1200 नागरिक मारे गए हैं, बच्चों और महिलाओं को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। अब गाजा में जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम अपने सभी टारगेट हासिल नहीं कर लेते। सबसे पहले बंधकों को छुड़ाएंगे और इसके बाद हमास का पूरा खात्मा किया जाएगा। मैंने प्रेसिडेंट बाइडेन से कहा है कि जब तक पूरी जीत हासिल नहीं होगी, इसराइल रुकने वाला नहीं है। अमेरिका को इस बारे में हर चीज़ बताई जा चुकी है। कोई दूसरा देश हमें आदेश नहीं दे सकता और ना ही हम पर दबाव डाल सकता है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।